सभी को मेरा नमस्कार। आज गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। आज 30 जनवरी है और आज ही के दिन महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। तो हम नमन करते हैं उस राष्ट्रपिता को, उस महाबलिदानी को, जिन्होंने इस देश के लिए अपने अथक प्रयास किए भारत को आज़ादी दिलाने में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था और बड़े ही सरल स्वभाव के थे, जिन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा भारत में ली और भारत से वे ब्रिटेन चले गए थे, लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की थी। बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये दक्षिण अफ्रीका रहे 1893 से 1915 के दौरान में, और जब ये भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारा भारत जो है पूरी तरह से गुलाम है और बेड़ियों में अटका हुआ है और अंग्रेज़ों की प्रताड़ना भारत सह रहा है। तो इन सब के लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए, अनेक आंदोलन चलाए। इनके द्वारा व्यक्तिगत आंदोलन चलाए गए आरंभ में, जैसे कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। उसके बाद इन्होंने पूरे भारत में, देश भर में असहयोग आंदोलन का आह्वान कर दिया था। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने कि पहली बार हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किया। इसके बाद इनके द्वारा चलाया गया नमक आंदोलन। नमक में इन्होंने नमक कानून को खुद जाकर तोड़ा, जब भारत को उस नमक पर कर देना पड़ता था। ये स्वयं दांडी गए और नमक उठाकर हाथों में नमक बनाकर अंग्रेजों को टक्कर दी। इस तरह गांधी जी के अनेक आंदोलन भारत को स्वतंत्रता की ओर ले गए और उनका अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारत को आज़ादी का स्वरूप दिखाया। तो हम इन महान हस्ती को नमन करते हैं जिन्हें राष्ट्रपिता कहा गया, अनेकों नामों से जाने गए। महात्मा बाबा के नाम से भी जाने गए, महात्मा गांधी के नाम से जाने गए, राष्ट्रपिता के नाम से जाने गए। तो हम ऐसे शहीद बलिदान के लिए, उनकी बलिदानी के लिए उनको नमन करते हैं और पूरा केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश का जो स्टाफ है आज इस अवसर पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।